अधूरे पूरे से हम टाइटल इसके लिए लिखा गया क्योंकि देखिए दो किरदार हैं, एक की ज़िंदगी पूरी होते हुए भी अधूरी थी क्योंकि हर इंसान बोलता है कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी होती है, उसमें से एक किरदार है जो शादी करके भी अधूरी है और एक है पूरी करने के चक्कर में आज भी अधूरा है। तो ये दोनों चीज़ दिमाग में रखते हुए इसका एक था कि देखो जो मेन कैरेक्टर है वो आज भी अधूरा है, जो लड़की है वो भी आज अधूरी, इसके लिए दोनों का अधूरापन इनको कंप्लीट बनाता है। मेरा मेन इंटेंशन एंटरटेनमेंट था कि आई हैव मेड एन एंटरटेनिंग फिल्म, लेकिन कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट के अंदर कुछ तो वजह होती है, कोई तो टॉपिक होता है, कुछ तो ऐसा चीज़ होता है। तो बहुत सारे लेयर्स फाइंड आउट करने के बाद एक फाइनली यही एक टॉपिक मिला था जहाँ पे मैं इसको बेस कर सकता था। मेरा रिलेशनशिप था कि आज के डेट में देखिए क्या होता है कि आप किसी भी कपल को आप जानते होंगे 10 साल पहले दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि 5-6 साल के बाद आप डिवोर्सेस देखने लगते हैं, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस था तो कहीं कुछ था तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो कुछ था, और एक रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ क्या वो ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि आपस में आप जिसके बगैर आप कल को रह नहीं पाते थे, आप उस आदमी के साथ आप रह नहीं आप रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे करके लेकिन जैसे एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि जिनको आप प्यार करते हैं उनके साथ आप रहते हैं नहीं, और जिनके साथ आप रहते हैं उन्हें आप प्यार नहीं करते। ये सिर्फ इतनी सी प्रमाइस थी कहानी की और कुछ नहीं। यू नो व्हाट आई फील अबाउट द डायरेक्टर इज वन द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज उन्होंने कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, जैसे जो हो रहा था उन्होंने होने दिया। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो मतलब ऑफकोर्स हर एक का विजन होता है बट उनकी स्क्रिप्ट में सब कुछ था, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो जो आपने देखा मतलब ऐसे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा करने की, इट वाज लाइक एफर्टलेस ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, डायरेक्शन में ऐसे कभी कोई मतलब तकलीफ नहीं हुई, कभी रोक टोक नहीं, मतलब जो आपको लगा आपने किया एंड वो बेस्ट हो गया। एज आई टोल्ड यू कि कभी सोचा ही नहीं था, मतलब वो आए उन्होंने नरेट किया, स्टोरी अच्छी लगी, एक्ट किया, कोशिश की अच्छा हो जाए काम, और ये सब कभी सोचा ही नहीं कि फिल्म को अवार्ड मिले, मुझे 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिले, आई एम तो लाइक ऑल सो हैप्पी। डेफिनेटली इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर टीम, आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट।